जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जो जातक और जातिकाएं हैं उनके अगस्त के राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे, कैसी होगी उनके स्वास्थ्य की स्थिति, धन की स्थिति, व्यापार की स्थिति, काम की स्थिति, उनके संतान की स्थिति, उनके प्रेम की स्थिति, उनके दाम्पत्य की स्थिति, इन बारे में डिटेल में मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। और मित्रों, अगर आप ये यूट्यूब में राशिफल देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, ये मेरा करबद्ध जोड़ के आपसे प्रार्थना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मित्रों कि इस समय पे कोरोना काल चल रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और सब लोग हताश निराश। ज़्यादातर मैंने कुंभ राशि वालों से बात की है, इस महीने मैंने बहुत लोगों से बात की है और आप लोगों का प्रेम मिलता रहता है और डेली मैं 60 से 70 लोगों से किसी ना किसी टॉपिक पे बात करता ही हूँ। तो मैंने जो कुंभ राशि वालों को देखा, बड़ा हताश और बड़ा निराश देखा। तो ऐसे में आप कुंभ राशि वाले बच्चों को और जो बुजुर्ग हैं, जो आदरणीय हैं, उनको मैं उनकी विशेषताएँ याद दिलाऊंगा दोबारा उनके कॉन्फिडेंस के लिए, और उनको किस कमी पे काम करना है ताकि इस कोरोना काल में उनको ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े या नुकसान बिल्कुल ना हो, इसके लिए स्थिति। उसके बाद आपको एक उपाय भी दिया जाएगा ताकि आप जो लॉकडाउन के दौरान जिस चीज़ के लिए परेशान रहें उसका उपाय, साथ ही साथ आपका राशिफल। सबसे पहले विशेषताएँ जानते हैं, जो कुंभ राशि वाले जातक और जातिकाएँ हैं वो मेहनती लोग होते हैं, वो 24-24 घंटे मेहनत कर सकते हैं और बड़े नॉलेजेबल लोग देखे गए हैं कुंभ राशि वाले जातक और जातिकाएं, और सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, चाहे कहीं पर भागवत हो रही हो, कहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा हो या सामाजिक कार्यक्रम हो रहा हो, तो कुंभ राशि वाला जातक और जातिका सबसे आगे मिलेंगे, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे व्यवहारिक रूप से। कुंभ राशि वाले जातक और जातिकाएं कहीं ना कहीं सामाजिक व्यक्ति हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कुंभ राशि वाले जातक और जातिकाएं जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है उसमें असफल हो रहे हैं। असफल होने के 3 कारण हो सकते हैं, उनमें से आज मैं इस वीडियो में 2 ही कारण बताऊंगा, क्योंकि मित्रों वीडियो हो जाती है लंबी। तो पहला कारण होता है विश्वास। कुंभ राशि वाले अक्सर जातक और जातिकाएं मेहनती होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, ठीक है, वाक्पटुता में भी तेज होते हैं और अपने काम में इनको बड़ी तगड़ी नॉलेज होती है। अगर टेक्निकल में है, इंजीनियरिंग में है, डॉक्टरी के अंदर है या जिस भी फील्ड के अंदर है उसके अंदर आप लोगों को महारत है, आपसे जीत पाना संभव ही नहीं है इस ब्रह्मांड के अंदर। फिर भी उसके बाद भी कुंभ राशि वाले अक्सर क्या होता है, अपने वर्करों पे विश्वास कर लेते हैं, अपने रिश्तेदारों पे विश्वास कर लेते हैं और ख़ासकर फाइनेंशियली उधार दे देते हैं। कुंभ राशि वालों के सामने किसी ने 2 आंसू क्या बहाए, उनका सर्वोच्च निछावर हो जाता है उस व्यक्ति के लिए, खासकर अपनों के लिए थोड़ा सा इनका लोचपूर्ण सिद्धांत होता है और वर्करों के लिए इनका थोड़ा लोचपूर्ण सिद्धांत होता है, जिस कारण इनको सबसे ज़्यादा कहते हैं ना एक कहावत है मित्रों कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। यानी कि कुंभ राशि वालों पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि कुंभ राशि वाले अगर बर्बाद होते हैं ना, व्यापार नहीं चल रहा ना आपका, तो आपके अंदर कमी नहीं है, आप नॉलेजेबल व्यक्ति हो, मेहनती व्यक्ति हो, आप में कमी नहीं है, आपका जो व्यापार है या जो आपकी जो नौकरी छूटी है उसके पीछे या तो आपके वर्करों का हाथ है या आपके अपने रिश्तेदारों का हाथ है, जिस वजह से आपके काम में हो जाती है मिसमैनेजमेंट और वो मिसमैनेजमेंट होने के कारण आपका काम बैठ जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि आपको विश्वास उतना ही करना है और साथ उतना ही देना है जितना आप कर पाओ। बहुत बार आप क्या करते हैं कि हेल्प आउट टू बियॉन्ड जाके, यानी कि जितनी आपका सामर्थ्य नहीं होता उससे ज़्यादा आप हेल्प करने लग जाते हो, उस चक्कर में वो व्यक्ति तो गिरता ही गिरता है मित्रों, आप भी गिर जाते हो। इसलिए विश्वास आपको नहीं करना है, याद रखिएगा। दूसरा, आपको काम में ध्यान देना है। बहुत बार क्या होता है, कुंभ राशि वाले जातक और जातिकाएं ऑफिस नहीं जाते हैं, नौकरी में काम मिलता है क्योंकि ये नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, ठीक है, ये लोग
मेहनती भी हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बार जी चुराते हैं काम, छोटे काम को लेने में। जो काम 5-7 साल पहले कर रहे थे, आज की डेट में आप लोगों की प्रमोशन हो गई, आप अच्छी डेजिग्नेशन में आ गए। तो बहुत बार क्या होता है, कुंभ राशि वाले छोटे मोटे काम नहीं करते, जिस कारण से ये काम पे ध्यान नहीं दे पाते, और ऑफिस में रेगुलरिटी ना होने के कारण, व्यापार में रेगुलरिटी ना होने के कारण, एम्प्लॉय के हाथ में या अपने जूनियर के हाथ में सब कुछ छोड़ने के कारण इनके ऊपर एक तो बैक बाइटिंग ज़्यादा होने लग जाती है, इनके ऊपर राजनीति ज़्यादा होने लग जाती है इनको हटाने के लिए। साथ ही साथ अगर आप अपना व्यापार कर रहे हैं तो मैनेजमेंट आपका फेल हो जाएगा, जिस वजह से आपका व्यापार गिर जाएगा। इसलिए आपको रेगुलरिटी रखनी है, अपना काम खुद करना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या उपाय करना है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर जो कुंभ राशि वाले जातक और जातिका हैं, तीन चीज़ों से बड़े परेशान रहे। पहला, काम से बहुत परेशान रहे, काम बन गए थे, लाइफ बहुत अच्छी होती 2020 में, लेकिन कोरोना आ गया, सारे काम खंडित हो गए, धन रुक गया, ठीक है, उन्नति होने वाली थी, पद प्रमोशन होने वाली थी, विदेश जाने वाले थे, वीज़ा लगने वाला था, स्थानांतरण होने वाला था, नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक तांबे का सिक्का ले लें और उसको अपने पर्स में रखना है, जब तक ये कोरोना काल चल रहा है, ये तब तक का उपाय है। नमस्कार, मैं सुदेश बेरी, पंडित प्रकाश जोशी जी से 8 महीने पहले मिला और उन्होंने मुझे ये 2 रत्न धारण करने के लिए दिए, जो मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने वो असर दिखाया जो मैं बिलीव भी नहीं कर सकता था। तो मैं पंडित प्रकाश जोशी जी का बहुत बहुत एहसान मंद हूँ कि जिस चीज़ पर मैं बिलीव नहीं करता था, वो आज मैं इस पर पूरी तरह बिलीव करता हूँ। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले जातक और जातिकाओं के अगस्त मास के राशिफल के बारे में। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य भाव के स्वामी है शनि, शनि व्याय भाव में बैठे हुए हैं, तो 1 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक आपके हाथ पैरों में दर्द, सर में दर्द की परेशानी रहेगी। साथ ही साथ 1 अगस्त से 15 अगस्त तक अस्पताल के चक्कर, पुलिस केस या थाने के चक्कर लग सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन लग रहे हैं। साथ ही साथ 16 तारीख से लेकर और 31 तारीख तक का समय आपका सही है, लेकिन मन इस महीने कुंभ राशि वालों का अशांत ही रहने वाला है। इसका उपाय मैं ऊपर बता चुका हूँ, वो उपाय कर लीजिएगा। धन की स्थिति की बात करें तो धन भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अंदर लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो 1 से लेकर 15 तारीख तक आपको धन जो है 2 जगहों से प्राप्त होने वाला है। यानी कि पहला आपको जो प्राप्त होगा वो आपकी की गई इन्वेस्टमेंट, आपके किए गए म्यूचुअल फंड, आपके किए गए एफडी से आपको धन प्राप्त होने वाला है। दूसरा, आपको रेंटल इनकम से धन प्राप्त होने वाला है थोड़ा सा। तीसरा भी धन आपको प्राप्त होगा, वो होगा काम से, तो वहाँ से भी आपको धन प्राप्त होने वाला है। यानी कि अगस्त के महीने में 3 जगह, मिनिमम से मिनिमम 2 जगह से आपको धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप पारिवारिक स्थिति की बात कर लेते हैं, तो पारिवारिक स्थिति में देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 17 अगस्त में परिवार के अंदर कोई मांगलिक और या कोई शुभ समाचार आपको सुनने में आएगा, ठीक है जी। एक तो ये हो गया। 18 से लेकर 31 तारीख तक, क्योंकि शुक्र जो है मिथुन राशि में होने से क्या होगा कि आपको 18 से लेकर 31 तक एक अशुभ समाचार भी अपने कुटुंब से रिलेटेड आपको मिलेगा, ठीक है जी। 18 तारीख से 31 तारीख तक कोई हो सकता है कोई बीमार हो जाए, इस तरह का अशुभ समाचार या कुछ अशुभ समाचार कुटुंब के अंदर आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ अब आपके परिवार की बात करें तो परिवार जो आपके घर के अंदर परिवार है, परिवार का तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन कुटुंब में 18 से लेकर 31 तक दिक्कत है। अब संतान की बात करें तो संतान भाव में बुध और राहु विराजमान है, तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 10 अगस्त तक संतान के काम और हेल्थ में परेशानी रहेगी, उनके काम रुकेंगे, उनको हेल्थ में ENT की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, ठीक है, रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम और चिड़चिड़ापन की प्रॉब्लम रहेगी, वो रहेगी 10 अगस्त तक। 11 से लेकर और 31 अगस्त में
कहीं ना कहीं बुध जो है कर्क राशि में जाएंगे, उसका प्रभाव होगा संतान के रुके हुए काम या संतान की जो समस्या चल रही है उसका अंत होगा। साथ ही साथ अब दाम्पत्य जीवन और प्रेम की बात करें तो 1 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक पार्टनर को मानसिक और शारीरिक कष्ट रहेगा, क्योंकि इस समय पर सूर्य जो हैं कहीं ना कहीं कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। कर्क राशि जो है छठी राशि आ जाती है, तो कहीं ना कहीं पार्टनर को परेशानी रहेगी। 16 तारीख को सूर्य जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तो 16 से लेकर 31 अगस्त तक पार्टनर का समय अच्छा है, उनके रुके हुए काम बनेंगे। हेल्थ में जो खराबी चल रही थी 1 से लेकर और 15 तारीख तक, तो वो भी ठीक होगी, ये चीज़ें स्थिति होंगी। साथ ही साथ अब नौकरी के बारे में बात कर लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो नौकरी के स्वामी है कहीं ना कहीं मंगल, मंगल धन भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक मंगल धन भाव में होने के बाद भी मित्रों 1 तारीख से 15 तारीख तक आपकी स्थितियां ख़राब है। बॉस से या कलीग से बहस रहेगी ऑफिस के अंदर, ठीक है, लड़ाइयाँ होंगी, कटौती होंगी, जिसमें आपका भी नाम होगा। फिर 16 से लेकर 31 तक चीज़ें ठीक होने की ओर चलने लगेगी, लेकिन कोई नया इवेंट नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से व्यापार की अगर बात करें तो व्यापारी जो भाई और बहन कुंभ राशि वाले व्यापार करते हैं, तो 1 से लेकर 15 तारीख तक कहीं ना कहीं काम में बढ़ोतरी के योग नज़र आ रहे हैं, काम अच्छा चलेगा। और 16 से लेकर और 30 तारीख के बीच में काम थोड़ा हल्का हो जाएगा, यानी कि 1 से 15 बहुत बढ़िया काम चलने वाला है, अच्छा धन आने वाला है, संस्थाओं से आपको कुछ ना कुछ सामान भी प्राप्त होगा, और 16 से 30 में थोड़ा काम हल्का हल्का हो जाएगा। तो मित्रों ये था कुंभ राशि वालों का राशिफल। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, जय माता दी मित्रों।